हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है फिरोजा के ऊपर ही। इसमें आपके कुछ सवालों के जवाब दूंगी मैं, जिन लोगों के मेरे पास कॉल्स आए, जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया, जिन्होंने यूट्यूब पर मुझे कमेंट किया। आज ये वीडियो है उन्हीं के सवालों के ऊपर। तो सबसे पहला जो है, मुझे किसी का व्हाट्सएप आया था कि मेरी मैरिज नहीं हो रही तो क्या मैं फिरोजा धारण कर सकता हूँ। जी हाँ, आप बिल्कुल फिरोजा धारण कर सकते हैं। फिरोजा जो है आपका अट्रैक्शन भी बढ़ाता है, ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, नेम फेम के लिए अच्छा है, रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आपको जैसे पहनते हैं और आपकी शादी हो जाती है, उसके बाद भी अगर आप अपने पार्टनर को भी गिफ्ट करते हैं तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलती है। दूसरा जो सवाल था, फिरोजा को 5 साल से मैंने पहना हुआ है, अच्छा काम कर रहा था लेकिन अब नहीं कर रहा। ये मुझे कॉल आया था हैदराबाद से किसी क्लाइंट का। तो आपका जो फिरोजा है, 5 साल हो चुके हैं उसको, अब उसको आपको चेंज कर लेना चाहिए। कोई भी स्टोन है वो आपको 33 मंथ्स तक अगर नॉर्मल रेंज में आपने लिया हुआ है, मतलब टॉप क्वालिटी तो बहुत अच्छा काम करती है तो लॉन्ग टाइम तक पहन सकते हैं, लेकिन आपने अगर हल्की रेंज में लिया हुआ था, अंदर स्टार्टिंग रेंज से लिया है, तो आप 33 मंथ्स में आपको उसको चेंज कर लेना चाहिए था। उसकी एनर्जी क्या होता है, किसी भी स्टोन की एनर्जी धीरे धीरे ड्रेन होने लगती है, ख़त्म हो जाती है, तो उतना रिजल्ट आपको नहीं दे पाते। तो आपको इसको चेंज कर लेना चाहिए, चाहे छोटा पीस पहनिए, 10 कैरेट से हमेशा ऊपर ही पहनिए आप। अगर आपका वेट 80 किलो भी है तो भी 15-16 कैरेट तक आप पहनिए। देखिए, मैंने जो ईयर रिंग पहनी हुई है फिरोजे की, ये 25 या 26 कैरेट के आसपास का स्टोन है, तो इसको तो आप जितना मर्जी बढ़ा के पहन सकते हैं, कोई नुकसान नहीं देता, आपको उल्टा फायदा ही देगा। इसकी लाइफ भी बढ़ जाती है अगर इसका वेट बढ़ा देते हैं आप। तो तीसरा है, फिरोजा ब्रेक हो गया, फिरोजा टूट गया, तो आप इसको मत धारण कीजिए। कोई भी नेगेटिविटी होती है, ये स्टोन अपने ऊपर लेते हैं, तो फिरोजा या कोई भी स्टोन ब्रेक हो जाता है तो ये अच्छा ही होता है, शुभ माना जाता है कि आपके ऊपर वो बला जो आ रही थी वो टल चुकी है, वो स्टोन अपने ऊपर ले लेते हैं। और चौथा है, साबुन लगने पर फिरोजा का कलर चला जाता है, ऐसा मुझे यूट्यूब पे कुछ कमेंट आया था। तो मैं आपको बताऊं, अगर आपका पहले तो चेक कीजिए आपका फिरोजा असली है, अगर डाइड हुआ, अगर ऐसे कलर गया है तो इसका मतलब तो वो नकली था, उसका कलर चला गया। बट आपका फिरोजा अगर 100% असली है तो साबुन में डालने से उसका कलर नहीं जाएगा। और किसी भी चीज़ में अगर आप कुछ केमिकल में भी काम कर रहे हैं तो ऐसे एकदम से इसका कलर नहीं जाता है। हाँ, अगर डाइड होगा तो ज़रूर चला जाएगा। अब फिरोजा का कलर जाता क्यों है, अगर आपने नेचुरल फिरोजा भी पहना है, या उसका कलर बदलता क्यों है? अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी होती है, आपके साथ कुछ बुरी दुर्घटना होने वाली होती है, तो स्टोन अपने ऊपर ले लेते हैं, तो कलर ये चेंज हो जाता है या स्टोन ब्रेक हो जाता है आपका। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपका स्टोन असली है, फिरोजा असली है और वो कलर बदल रहा है या फिर वो ब्रेक हो गया, तो इट मीन्स ये कोई नेगेटिविटी अपने ऊपर इसने ली है आपकी। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि कोई कई बार नज़र लग जाती है, या फिर हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी बीमारियां चल रही होती हैं जिसको भी वो अपने ऊपर ले लेते हैं और आप इनसे बच जाते हैं। तो फिरोजा का कलर जो है साबुन में डालने से नहीं जाता, मैं डेली इसको वेयर करती हूँ और इसको साबुन में भी हाथ मेरा लगता है तो इसका कलर कभी नहीं जाएगा और अभी तक गया भी नहीं है। तो ये नेचुरल है, कभी अगर कलर चेंज करेगा तो मेरी नेगेटिविटी अपने ऊपर लेगा, तब जा सकता है या फिर ब्रेक हो सकता है। तो ऐसे आपके मन में कोई और भी सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।